सो वेलकम टू दिस क्लास. ये आज का सेशन जो है वो स्पेशल सेशन है, और वो इसलिए अरेंज किया गया है कि आप में से कुछ लोगों को अंग्रेजी में लेक्चर समझने में दिक्कत होती है. आज मैं आपके साथ हिंदी में बात करूंगा. सो अभी हमने जो कंप्यूटर्स के लिए पहले पहले सोचा था, जब शुरू किया था हमने कंप्यूटर्स, तो ये यंत्र है, इस यंत्र के बारे में कुछ मिनिमम जानकारी आवश्यक थी. तो उस यंत्र के अंदरूनी हिस्से क्या है ये वगैरह समझने की बजाय हमने ये सोचा कि उस यंत्र को एक ऐसा रूप दे दिया जाए कि वो उसको देख के हम समझ सकें. तो इसलिए हमने कंप्यूटर को बोल दिया कि ये एक बुद्धूराम आदमी है, तो ये हमारे लिए कंप्यूटर. होशियार कुछ मामले में है, उसको जो बोलो आप वो कर देता है, लेकिन खुद होके कुछ नहीं कर सकता. तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इस कंप्यूटर की है, खुद होके कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम उसे बुद्धूराम कहते हैं. ये जो बुद्धूराम है, इसके साथ ही 4, 5, 10, 50 बुद्धूराम और भी हैं, तो पूरी गैंग की गैंग मिलकर काम करते हैं. तो हमें एक बुद्धूराम दिखता है, लेकिन उसके पीछे 5-10 और ऐसे ही बुद्धूराम होते. वो सब में एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, सबके सब बुद्धू हैं, खुद होके कुछ नहीं कर सकते. जब तक उन्हें कोई बताओ नहीं तब तक नहीं करेंगे. तो बताने का जो काम है वो हमें करना है, एंड दैट इज द एसेंस ऑफ कंप्यूटिंग एसेंशियली. अब ये जो बुद्धूराम आदमी देखा हमने, डम्बो, ये जैसे मैंने आपको कहा खुद होके कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप उसे कोई हिदायत दो तो बिल्कुल बाकायदा पालन करता है. सोल्जर होता है ना आर्मी में, वो खुद होके कुछ नहीं करता, लेकिन आपने बोला इसको गोली मारो मार देगा, आपने बोला ये जोड़ घटा गुणा करो वो कर देगा. तो ये हमारा बुद्धूराम है, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकता है, लॉजिकल कंपैरिजन कर सकता है, क से ख बड़ा है या छोटा है, एक्स इज इक्वल टू वाई और नॉट इक्वल टू वाई, ये कंपैरिजन कर सकता है नंबर्स की, निर्णय ले सकता है उस कंपैरिजन पे. अगर एक्स वाई से बड़ा है तो कुछ एक काम करो, एक्स वाई से छोटा है तो कुछ दूसरा काम करो, ये अगर उसे हिदायत देगी तो वो हिदायत का पालन कर सकता है. सो कोई भी आप उसको वैल्यूज देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेके जोड़ घटा गुणा भाग सब कर सकता है वो, और इस तरह के मैनिपुलेशन करके जो भी रिजल्ट आता है वो आपको दे सकता है. ये उसकी कैपेसिटी है, ये उसकी कैपेबिलिटी. चूंकि वो गणित करता है, कंप्यूटेशन करता है, इसलिए उसका नाम हमने कंप्यूटर रखा. जब इजाद हुए थे शुरू शुरू में कंप्यूटर्स, तो खाली वो कंप्यूटेशन ही करते थे, दूसरा कुछ नहीं करते, इसलिए उनको कंप्यूटर बोला गया. आज के कंप्यूटर्स खाली कंप्यूटेशन नहीं करते हैं. आज आप अंग्रेजी भाषा में कोई वाक्य दो तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देंगे, रॉकेट चलाना है तो रॉकेट की मोटर को कंट्रोल कर देंगे. तो कंप्यूटिंग के अलावा भी और बड़े काम करते हैं. तो इसके लिए आजकल के कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स कहा जाता है. कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो, सिग्नल्स हो, डिजिटल सिग्नल्स हो, वो सबके साथ वो काम कर सकता है. लेकिन हमारा ये जो कोर्स है ये केवल कंप्यूटिंग किस तरह से करता है कंप्यूटर, और खाली आंकड़ों के साथ नहीं, शब्दों के साथ भी. आप कोई शब्द लें, उसके हिज्जे पुर्जे अलग करें, शब्दों को एक तरीके से जमाएं अल्फाबेटिकली, तो ये भी एक काम है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऐसा बोलते हैं उसको. तो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये कैपेबिलिटी है, और ये हमारा बुद्धूराम अच्छी तरह करता है. इसका यही प्रॉब्लम है कि इसके दिमाग में कुछ नहीं रहता, ख्याल में नहीं रहता. तो जो भी उसको आप चाहते कि वो ख्याल में रखे, जैसे अपन लोग दिमाग में ख्याल में रखते, कोई एक बात बता दी 6 महीने बाद भी अपने को याद रहे, उसको याद, उसकी जो याददाश्त है वो एक अलग से बनाई गई याददाश्त, उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता. तो उसको याद रखने के लिए उसको हमने एक मेमोरी बना दी है अलग से, और इन मेमोरी को हम दराज का रूप देते हैं कि एक बड़ा सा कपाट है, उसमें दराज पड़े हुए हैं 1, 2, 3, 4. वो अपने दिमाग में रखने की जगह दराज में रखता है कोई. तो कोई भी आप चाहते कि उसको ये आंकड़ा याद रहे, ये अक्षर याद रहे, जो भी है वो आप दराज में रख दें. अब कौन से दराज में क्या रखा ये कैसे पता चले, तो इसलिए दराजों को जो है नाम दे दीजिए. तो ये जैसे नाम दिया है ABCDEF, ये अलग अलग दराज है. इसको याद तो कुछ रहता नहीं है, लेकिन आप उसको अगर जाके बोलो कि बी दराज में देखो क्या है, तो वो बी दराज खोल सकता है, उसमें देख सकता है, उसमें जो वो उसकी मेमोरी होगी. तो ये बुद्धूराम का मेमोरी मॉडल जो है वो इंसान के मेमोरी से अलग है. इसके मेमोरी जो है वो दराजों में बनी हुई है, और वो कोई दराज के, हर दराज का नाम हम देंगे उसको, उस नाम से अगर उसको बोलेंगे कि इस नाम के दराज में झांक के देखो तो देख सकते.
अच्छा खाली देख ही नहीं सकता, हम उसको कहेंगे कि ये हमने एक आंकड़े दिए आपको, ये इस दराज में रख दो, तो उसमें रख भी सकते। तो उसकी मेमोरी जो है वो इस तरीके, जैसे अपन किताब पढ़ के याद करते हैं, फिर किसी ने पूछा तो उसको बताते हैं, तो याद करने का इक्वालेंट है कि हम उसे बोलेंगे कि इस दराज में इस चीज को रख दो, और फिर से पूछे जाने पर उत्तर देने का इक्वालेंट है कि दराज खोल के उसमें जो भी है देखो उसमें क्या रखा। तो ये उसकी मेमोरी हो गई, ये उसका मॉडल है, और ये पूरी तरह से उसको बुद्धूराम को बराबर डिस्क्राइब करता है। अब ये देखिए, जैसे बोला कि हर एक जो दराज है इसमें, इसमें कोई तो भी आंकड़ा लिखा है, जैसे इसमें यहां लिखा है 437, यहां एक दराज में नाम लिखा है किसी आदमी का रानडे, तो वो रानडे नाम रख दिया है यहां पे। तो इस तरह से हर दराज में कोई वैल्यू रखी जा सकती है, और हर दराज का एक दराज का नाम होता है, जैसे इसका नाम है बी, इसका नाम है एफ, इसको बोलते हैं मेमोरी लोकेशन। अलग अलग दराज में अलग अलग चीजें रखी। सो ये चीज जानना जरूरी है कि हर दराज में केवल एक ही वैल्यू एक समय रखी जा सकती है। अपन कागज पे लिखते तो एक ही कागज पे 50 चीजें लिख सकते हैं अपन, किसी कागज पे एक रखी लिखी है, किसी कागज पे 50 लिखे, लेकिन यहां जो इसके दराज है वो हर दराज में एक ही चीज रखी जाए। असल में आगे हम देखेंगे क्लास में कि इसकी जो ये जो मेमोरी है, ये जो किस तरह बनाई जाती है असल में कंप्यूटर में, तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करके, और उसमें बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं, एक एक बिट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये हम बाद में देखेंगे। आज के लिए हम उसका मॉडल बना रहे हैं कंप्यूटर का, और वो कंप्यूटर का मॉडल ये है कि भाई एक दराज में एक वैल्यू रखी जा सकती है, दूसरी वैल्यू अगर रखना हो तो पहली वैल्यू मिट जाएगी। तो जिसे हम मेमोरी वेरिएबल बोलेंगे बाद में, तो मेमोरी वेरिएबल के बारे में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी एक समय में उस मेमोरी वेरिएबल में एक ही वैल्यू हो सकती है, 2, 5, 10 नहीं हो सकती, कोई भी एक हो। जो पहली वैल्यू कोई होगी उसकी जगह आपने दूसरी लिखना है तो पहली गायब हो जाएगी। तो ये दराज जो है वो इसको अच्छी तरह बताते हैं कि भाई दराज में एक समय में एक ही वैल्यू रहेगी। अब उसके अंदर वैल्यू आएगी कहां से, जैसे ये दराज है ए बी सी डी, तो दो तरह से वैल्यू आ सकती है। एक तरीका है कि ये जो अपना बुद्धूराम है वो कहीं से बाहर से कोई वैल्यू लेके उस दराज में रख दे। तो ये मैंने बताया यहां पे कि इसको इनपुट आउटपुट बोलते हैं, यानी ये अगर हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, ये बाहर का जीवन है, तो बाहर जैसे आप और हम खड़े हैं, कुछ कंप्यूटेशन करवाना चाहते हैं उससे, उसको हम कुछ वैल्यूज देंगे, उसको जोड़ घटा गुणा भाग करके हमें कुछ रिजल्ट देगा। तो हम जो भी वैल्यू देंगे वो मान लीजिए एक डिब्बे में रख के, गाड़ी में रख के उसको ले जा रहा है, तो वैल्यू हमारे यहाँ से वहां जाती है और वहां से यहाँ आती है, वो एक तरह से जो बुद्धू राम है उस वैल्यू को लेके जाता है, और कहाँ रखता है, जहां हम बोलेंगे वहां रखे, या तो हमने वैल्यू दी है तो वो यहां रखेगा, हम पूछेंगे कि इस दराज में की वैल्यू हमें बताओ तो उस दराज में जाके देखेगा वो वैल्यू हमें दे। इसको बोलते हैं हम इनपुट आउटपुट। लेकिन अगर हम कंप्यूटर पे देखेंगे तो कंप्यूटर के लिए आपने सब लैब तो करे हैं आपने, ये टर्मिनल आप देखते हैं यहां पर, इसका कीबोर्ड देखते हैं, तो ऐसा मान लीजिए कि इसके अंदर बहुत कहीं तो भी दूर ये हमारा बुद्धूराम बैठा हुआ है। तो उस बुद्धूराम से हमारा जो भी वार्तालाप होगा वो खाली इसके जरिए होगा। अगर हमें कोई नंबर या आंकड़ा या नाम बुद्धूराम को देना है मेमोरी में रखने के लिए, तो हम वो इस कीबोर्ड के थ्रू देंगे, कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं, हम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो दे सकते। उसी तरह से अगर बुद्धूराम को हमें कोई चीज बतानी हो, कोई वैल्यू वहां से बतानी हो, तो वो स्क्रीन पे बताए। अब ये जो अपन ने बुद्धूराम बोला है कि ये वैल्यू हमें दे सकता है और हमसे ले सकता है, उसके और हमारे बीच में एक और बड़ा बुद्धूराम, उस बड़े बुद्धूराम का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हम जो असल में टर्मिनल पे देखते हैं, आपने देखा होगा एक डॉलर सिंबल आएगा इस तरह से, इसके आगे आप कुछ करते हैं, इसके बाद जो अंदर का बुद्धूराम है वो कुछ लिख के आपको बताता है। ये जो वार्तालाप हो रहा है ये हमारा वाला बुद्धूराम नहीं है जो अभी आपने देखा, जो बुद्धूराम कंप्यूटेशन करता है वो ये बुद्धूराम, ये अलग बुद्धूराम, तो ये उस छोटे बुद्धूराम का बड़ा बाप भाई है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे बात करती है, असल में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वो जैसे हेड मास्टर होता है स्कूल का, तो उसे हेड बुद्धूराम बोल सकते हैं। तो वो हेड बुद्धूराम सब बाकी लोगों से काम करवाएगा, लेकिन आपसे जो बातें होंगी वो हेड बुद्धूराम, और वो जो बातें हैं वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए करता है।
शायद इसलिए कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि एक तरफ तो हम कंप्यूटेशन और प्रोग्राम वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम लैब में जाते हैं तो हमारे सामने कंप्यूटर पे कोई डॉलर सिंबल आ जाता है, कोई बोलते हैं यहाँ रिटर्न बटन दबाओ, कोई बोलते हैं यहाँ वैल्यू दो। अब इन चीजों का प्रोग्रामिंग से क्या वास्ता है? तो इन चीजों का प्रोग्रामिंग से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन चीजों के द्वारा हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं कि भाई ये हम वो जो बुद्धूला में हमारा जो सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जानता है उससे हमें बात करवाने के लिए इसके माध्यम से बात करनी पड़ती। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जानना भी इसके लिए बहुत आवश्यक है। चूंकि दोनों चीजें हमने कक्षा में साथ साथ पढ़ी, हमने बुद्धूराम का मॉडल भी देखा किस तरह से कंप्यूटेशन करता है, किस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, किस तरह प्रोग्राम लिखते हैं, ये एक तरफ देखा, और दूसरी तरफ लैब में हमने ये डॉलर सिंबल आते हुए देखा, कुछ टाइप करते हुए देखा, कुछ एरर मैसेज आते हैं आपकी फाइल नहीं मिली, ये नहीं मिली, कुछ CPP समथिंग समथिंग इस तरह के कुछ अबरक डबरक कुछ हम लिखना पड़ता है, तो उसका हम ताल्लुक नहीं जमा सकते। तो इसके लिए जानना जरूरी है, ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है और जो कीबोर्ड दिख रहा है, तो ये समझ लीजिए कि इनके पीछे एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का एक बड़ा राक्षस बैठा है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे बातें कर रही है। तो आप जब भी कोई कमांड देंगे कि भाई मेरा ये प्रोग्राम है इसको एग्जीक्यूट कर दो, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो जाके अपने ओरिजिनल सी प्लस प्लस डम्बो को दे देती हिदायतें वो, और वो फिर वो एग्जीक्यूट। सो ये जो मॉडल है हमारे प्रोग्रामिंग का मॉडल है कि इस तरह से डम्बो किस तरह से काम करता है यहां हम देख रहे हैं। लेकिन डम्बो तभी काम करता है जब हम उसे बताते हैं कि कुछ करो, खुद होके बुद्धूराम कुछ नहीं कर। तो दो चीजें आपको जानना जरूरी है कंप्यूटर के बारे में कि एक तो खुद होके वो कुछ भी नहीं करेगा कभी भी, जब तक उसे कोई हिदायत नहीं जाएगी वो कुछ नहीं करेगा, और दूसरा कि उसकी जो मेमोरी है वो अलग से कनिस्तरों में ड्रावर्स में बंद है, उसको नॉर्मली कुछ याद नहीं रहता, तो उसको बताना पड़ता है कि भाई इस दराज में देखो, वहां देखो, उसमें से ये वैल्यू। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमने सीखा था कि ये बुद्धूराम को किस तरह से हम कुछ आंकड़े हैं, नंबर हैं, जो हम किस तरह से उसे दे सकते हैं और किस तरह से उससे हम ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये बोला था कि एक ऐसी कमांड दी बुद्धूराम को, सी इन ग्रेटर ग्रेटर बी। तो सी इन का मतलब है कि इनपुट लो, हमारे पास कुछ वैल्यू है, हमारे पास आ जाओ, वो एक वैल्यू लो हमसे, और कहां पे रखो, तो उस दराज में रखो जिस दराज का नाम बी है। सो दैट इज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म, ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में। तो ये डम्बो जो है वो एक वैल्यू लेगा हमसे, उस मेमोरी कबर्ड में जाके बी वाला कबर्ड कप्पा खोलेगा, उसमें वो वैल्यू रख देगा, बंद कर देगा। जब वो वैल्यू उसमें रखेगा, उसमें पहले अगर कोई वैल्यू पहले से होगी तो गायब हो जाएगी, क्योंकि एक दराज में एक ही वैल्यू रखी जा सकती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। उसी तरह से अगर हमें डम्बो से कहना है कि भाई हमने पहले कुछ दराज में वैल्यू रखी थी, ये कैलकुलेट करके उस दराज में रखी गई होगी, वो वैल्यू हमें दे दो, तो उसके लिए हम उसे कमांड देते हैं सी आउट। तो सी आउट बोला, जो भी आपके पास है वो हमें वापस दे। तो वो एक ही कमांड में, जिसे हम बोल सकते हैं सी आउट जी, यानी खाली एक एक वैल्यू दे दो, जी नाम के कप्पे में जो भी है वो दे दो, या फिर हम उसे ये भी बोल सकते हैं कि ए नाम के कप्पे में वो दो, जी नाम के कप्पे में वो दो, कोएफ नाम के कप्पे में वो दो। अब कोएफ होता है शॉर्ट फॉर्म किस चीज़ का, कोएफिशिएंट। हम लोग क्वेश्चन जनरली यूज करते हैं इक्वेशन के साथ, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यानी ए बी सी ए कोएफिशिएंट हुए। अब ये जो नाम है ए जी कोएफ रूट, ये नाम बुद्धूराम को कुछ लेना देना नहीं क्या नाम रखते हैं, तो इसलिए ये नाम हम चूज करते हैं, तो हमें ऐसे नाम रखना चाहिए जिस नाम से हमें कुछ और समझ में आए। अभी कोएफ लिखा है, रूट लिखा है, तो इसका कुछ मतलब होता है मैथ्स में, वो हमें समझ में आ जाता है। इसलिए नाम का चयन करना बहुत आवश्यक है कि आप बड़ा सोच के नाम रखें, कोई आर्बिट्री नाम ना रखें। बुद्धूराम को कोई फर्क नहीं पड़ता, अबरका डबरका बोले, झीटा बोले, डेल्टा बोले, कुछ भी, जो भी आप नाम रखना चाहे रखें, लेकिन ये नाम रखने के लिए आपको थोड़ा सोचना चाहिए। अच्छा, ये जो खाली जो हम नाम रखते हैं, तो नाम तो दराज के हो गए जिनके अंदर वैल्यू रखी जाएगी, इसके अलावा भी हम बुद्धूराम को कुछ और हिदायतें दे सकते हैं कि जिससे उसको हमें समझने में आसानी हो। जैसे अब हमें एक वैल्यू उसको बुद्धूराम से लेनी है, तो हमने खाली कह दिया सी आउट जी, एक वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मान लीजिए हमारा जो प्रोग्राम बाद में बनेगा उसमें 1000 इंस्ट्रक्शन और उसमें हमने कम 50 जगह सी आउट लिखा है, कुछ जगह ए आ रहा है, कुछ जगह बी आ रहा है, कुछ जगह सी आ रहा है, हमें किसे समझेगा क्या वैल्यू आई? वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बड़ा बुद्धूराम है वो तो उसकी वैल्यू लेके हमें दे देगा स्क्रीन के ऊपर,
हमें समझना चाहिए कि ये वैल्यू किसकी है। इसलिए एक चीज का हम हमेशा पालन करते हैं कि कोई भी वैल्यू कंप्यूटर को ऐसी हिदायत नहीं देंगे खाली वैल्यू दे दो, उसके साथ साथ उसको कुछ लिखने को बोलें। जैसे यहाँ पे हमें सी हमने लिखा है कोई काउंट करके वेरिएबल, जिसमें हम आंकड़े 1 2 3 4 ऐसे ऐड करते रहे, तो सी आउट सी अगर खाली बोलेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 50 52 53 110। लेकिन अगर ये लिखेंगे वैल्यू ऑफ काउंट इज, तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है ये ऐसी कैसी आपके सामने वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला डम्बो ला के रखे, तो आपको आसानी होगी समझने में कि क्या वैल्यू आ रही। तो इसलिए हमेशा जब भी आप इनपुट आउटपुट करें तो सी इन और सी आउट इंस्ट्रक्शन के साथ ये ख्याल रहे कि कुछ तरह की स्ट्रिंग दी जाए, ताकि जो प्रोग्राम जब चलेगा, अब आज तो आप प्रोग्राम चला रहे हैं, आपने लिखा तो आपको मालूम है कौन सी वैल्यू देना है या कौन सी वैल्यू आ रही, लेकिन आपका प्रोग्राम कल कोई दूसरा भी चला सकता है, तो उसे भी समझ में आए, इसलिए इस तरह की हिदायत देना बहुत जरूरी। तो अब जैसे ये है गिव वैल्यू फॉर बी एंड देन बी, तो ये जो डम्बो है इसको हम 437 वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन हमें पहले पता है कि किसकी वैल्यू दे रहे हैं, बी नाम के दराज में जो वैल्यू रखना है वो हम दे रहे हैं। इसी तरह गिव वैल्यू फॉर एफ, तो अभी ये जो वैल्यूज है पहले अपन ने देखा न्यूमेरिकल वैल्यूज दे सकते हैं और कैरेक्टर स्ट्रिंग्स भी दे सकते हैं, नाम पता जो भी लिखना है। अब वो कैलकुलेशन बड़ा इजी करता है डम्बो जो है, उसके कैलकुलेशन का सिंपल एक तरीका है कि उसके पास जो भी वैल्यूज हैं दराजों में रखी हुई उनको जोड़ घटा गुणा भाग जो भी आप करवाना चाहे कर सकता है वो, और जो कैलकुलेट करके जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके बताए हुए एक दराज में उसे रख सकता है। ये एक सिंपल एबिलिटी है। हम लोग जो अरिथमेटिक करते हैं इसी तरह से करते हैं, कोई 5-10 वैल्यूज दिए, कोई बोलेगा इससे गुणाकार करो भागाकार करो जोड़ो घटाओ ये करो, वो हम कर करा के एक उत्तर आता है, और किसी ने कहा कि बस इस उत्तर को लेकर उस दराज में रख दो। डम्बो जो है वो अपना ये बुद्धूराम यही काम करता है। तो अगर हमको हमने उसको ऐसे बोला सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे एक चीज जो आपने अब तक समझ ली होगी कि ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये एक हिदायत है डम्बो को, कि डम्बो को हिदायत यह है कि ए और बी जो नाम के दो दराज है उनमें जो वैल्यू है उनको निकालो, देखो उनको, उनका जोड़ करो, और जो जोड़ के जो भी वैल्यू आएगी वो सम नाम के दराज में रख दो। तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन इक्वेशन, इट्स एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, कि ये वैल्यू निकाल के वहां रखो। तो ये अपना ये वैल्यू लेगा, ए की वैल्यू लेगा बी की, और इस तरीके से वैल्यू जो लेता है वो दराज खोल के, तो अपने सामने टेबल पे किसी कागज में लिख लेता है, उन कागजों को बोलते हैं रजिस्टर, वो डम्बो के रजिस्टर है, कि वो मेमोरी में से वैल्यू लेगा रजिस्टर पे लिखेगा, फिर वहां रजिस्टर पे जोड़ घटा करेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा आपने जहां बोला होगा उस रिजल्ट में जाके रख दे। तो जैसे इस हिदायत में जो लिखा है कि भाई लोकेशन ए में जाओ कोई वैल्यू होगी लेके आओ, जैसे 35 है, लोकेशन बी में जाओ वैल्यू लेके आओ जैसे 12 है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो, तो इनको जोड़ के उसकी वैल्यू आई 47। अब ये 47 जो वैल्यू है उसको सम नाम के ड्रावर में रख दो। ये जो वेरिएबल के नाम है असल में लोकेशंस के नाम है जहां पे मेमोरी में कुछ भी रखा जा सकता है। सो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद में उस लोकेशन में 47 करके वैल्यू रहे। ये उसके लिए हमने जैसे बनाया टेबल। इसका एक और महत्वपूर्ण चीज ख्याल में रखना जरूरी है, हालांकि कंप्यूटर बड़ा तेज काम करता है, वो एक सेकंड में हजारों नहीं लाखों इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको जीरो समय नहीं लगता, हर चीज के लिए उसको समय लगता है। अब जैसे ये जो काम करना है इन दोनों 35 और 12 को ऐड करके 47 नंबर लेना है, तो ये जो एडिशन है ये एडिशन वो अलग से अपने टेबल पे वैल्यूज लिख के करेगा, इसको समय लगेगा। आगे हम क्लास में बात करेंगे इस समय की, कितना समय लगता है, भले एक चीज के लिए 1 माइक्रोसेकंड लगता हो, लेकिन अगर 3 काम करना है तो 3 माइक्रोसेकंड लगेंगे, अगर 7 काम करना है तो 7 माइक्रोसेकंड लगेंगे। ये हमें ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि किसी भी जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको कम से कम समय में कैसे एग्जीक्यूट करवाएं उसे, तो उसके लिए उसकी जो हिदायत हम देंगे इंस्ट्रक्शन जो देंगे उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि उसको कम से कम काम में वो ज्यादा से ज्यादा उत्तर निकाल सके। तो ये रीड राइट इनपुट आउटपुट, इसमें कोई आपको दिक्कत, इज वेरी इजीली अंडरस्टूड। अब ये जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसको हिदायत जो देते हैं सी इन सी आउट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हिदायतें कहां रहेंगे,
ये हिदायत भी उसको हम पहले से लिख के देंगे। और ये हमारे बुद्धूराम की सबसे बड़ी खूबी है कि वो हिदायतों का एक पुलिंदा का पुलिंदा अगर आपने बना के दे दिया, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, तो उस पूरे प्रोग्राम को अपनी उसी मेमोरी में अलग जगह रख देता है और अपने आप उस प्रोग्राम की पहली हिदायत देखता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ये सब काम अपने आप कर सकता है। ये साधारण दूसरी मशीनें नहीं कर सकती, इसलिए कंप्यूटर अलग। कंप्यूटर को हिदायतें हम इकट्ठी बना के दे सकते हैं, उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। और जैसे आप लिखते हैं, आप C++ में प्रोग्राम लिखते हैं, पूरी की पूरी हिदायतें अपने वो स्टोर में रख देता है। ये आप उस स्टोर से कंफ्यूज मत कीजिए जहाँ ए बी सम इन चीज़ों की वैल्यूज रखता है, वो अलग स्टोर है, तो उसको बोलते हैं डेटा स्टोर। उसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, वो इंस्ट्रक्शन स्पेस बोलते हैं, उसमें वो अपनी हिदायत रखता है। ये अपन ने सबसे पहले एक प्रोग्राम देखा था। अब देखिए, ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने लंबो को या बुद्धूराम को हिदायतें दी, इसमें से कुछ हिदायतें तो हम समझ सकते हैं, कुछ अपने को अभी समझ में नहीं आई क्यों हम ऐसा लिखे। तो जैसे ये हिदायत है, सी आउट गिव टू नंबर्स, सी इन ए, सी इन बी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी आउट सम इज सो मच, ये तो आपको सबको समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या लिखा है हमने, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यूज नेम स्पेस एसटीडी, ये तो अभी तक समझ में आने की बाहर की बात है। असल में वो जो हमारा डम्बो है, वो डम्बो को जो कंप्यूटिंग डम्बो बोलते हैं, हमने एक और मॉडल अभी तक पूरी तरह से देखा नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मॉडल। तो ये C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस भाषा में हम उसको हिदायत देते हैं। ऐसी 500-600 से ज़्यादा भाषा है जिन भाषाओं में हिदायत दी जा सकती है, क्योंकि ये कोई नेचुरल लैंग्वेज तो है नहीं, हिंदी मराठी उड़िया इंग्लिश जर्मन जैसी, ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज। और आर्टिफिशियल लैंग्वेज तो हम में से कोई भी बना सकता है, भाषा बनाने में क्या, हम अगर बोलते कि इस तरह से उच्चार करेंगे या लिखेंगे इसका मतलब ये होगा, वो भाषा बन गई। तो कंप्यूटर की भाषा इस तरह से 600-700 से ज़्यादा भाषाएं लोग बना चुके हैं, और ऐसे कंप्यूटर्स यानी जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं, ऐसे प्रोग्राम लिख चुके हैं कि इन भाषाओं को कंप्यूटर समझ सके। तो हम जिस भाषा का इस कोर्स में प्रयोग करने वाले हैं उसका नाम है C++। उस भाषा के कुछ कायदे कानून होते हैं, उस भाषा में हिदायत किस तरह से देना, इंस्ट्रक्शन किस तरह से देना। जैसे जैसे ये कक्षा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम उन चीज़ों को भी समझेंगे, लेकिन आज की तारीख में हमें सब चीज़ें मालूम नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें हम ऐसे लिख देते हैं कि भाई हमेशा ये लिख दिया जाएगा, प्रोग्राम के शुरू में ये लिख दिया जाएगा, प्रोग्राम के आखिर में ये लिख दिया जाएगा, भले हमें समझ में नहीं आया लेकिन वो लिखे बगैर वो जो बुद्धूराम है उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें से ये जो हिदायतें हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हिदायतें वो बुद्धूराम C++ बुद्धूराम के लिए है, उसके बगैर उसे आगे समझ में नहीं आता। इंट मेन, तो ये बाद में अपन ने देखा कि ये कोई प्रोसीजर का या मेन प्रोग्राम का नाम है हमारे, जब मेन बोलते हैं। इसके नीचे लिखा है इंट ए इंट बी, अब उस समय हमें नहीं मालूम था लेकिन अब हम समझ गए कि इंट ए का मतलब है कि ए नाम का जो डिब्बा है उसके पास, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू रखी जाएगी, इंटीजर के अलावा दूसरी भी वैल्यूज होंगी जैसे हमने देखा था, हम एक बार फिर से देखेंगे उसको। इस तरह से ये जो पूरा बना ये एक प्रोग्राम है, और ये इंस्ट्रक्शंस जो है, ये इंस्ट्रक्शंस बुद्धूराम को समझ में आती है, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो काम कर सकते। सो दिस इज फंडामेंटल प्रोग्रामिंग, इसमें कोई दिक्कत कहाँ पर? हाँ, इनका सवाल है कि ये जो प्रोग्राम है इसमें रिटर्न जीरो लिखा है, जीरो की जगह दूसरा कुछ देंगे तो क्या होगा। असल में ये जो रिटर्न वैल्यू है, ये वैल्यू पूरे इस पूरे प्रोग्राम को एक बोलते हैं फंक्शन, ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन अपने आप में नहीं चलता, ये C++ हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का जो बड़ा बाप हमने बोला था बड़ा बुद्धूराम, वो एक एक प्रोग्राम किसी का लेके मेमोरी में लोड करता है, उसको रन करता है, और उस रन करने के बाद में वो प्रोग्राम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई एक वैल्यू देता है। बाद में हमने देखा जैसे अलग से फंक्शन लिखे जाएंगे, हम जो फंक्शन लिखते हैं वो फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद हमें ही वैल्यू देते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन होता है वो वैल्यू देता है बड़े बुद्धूराम को। अब ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वैल्यू असल में कुछ भी हो सकती है, जैसे जीरो है यहाँ लिखा है जीरो, जीरो भी दे सकते हैं, -1 भी दे सकते हैं, 2000 भी दे सकते हैं,
लेकिन इस हर वैल्यू का एक मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर कोई और वैल्यू देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगेगा कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन गलत हो गया। अगर जीरो देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा सब ठीक चल रहा है। तो जीरो और नॉन जीरो इसका महत्व है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हमारे लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम अगर देखेंगे हम करना क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम में, दो नंबर ए और बी लेके उनको जोड़ना चाहते हैं और उस जोड़ को हम देखना चाहते हैं। तो जिस तरह से आज की तारीख में हमें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, उसी तरह आज की तारीख में हमें रिटर्न जीरो का मतलब भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब हम फंक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे कि रिटर्न जीरो का क्या मतलब है, रिटर्न 45 का क्या मतलब है। जब हम खुद फंक्शन लिखेंगे और कोई वैल्यू में रिटर्न लिखेंगे तो वैल्यू हमारे ही पास आएगी, तो उसका तो हम मतलब निकाल सकते कि भाई ये वैल्यू है, इन दोनों चीजों का जोड़ है या मल्टीप्लीकेशन है, कुछ भी है। लेकिन जो वैल्यू हम मेन प्रोग्राम के अंत में लिखते हैं, ये वैल्यू हमारे प्रोग्राम में कोई माने नहीं रखती, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जाती है वैल्यू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये वैल्यू देख के तय करता है कि भाई ये प्रोग्राम ठीक चला नहीं चला, क्या हुआ। और वो जो तय करता है वो केवल इस बात पे तय करता है कि जीरो है या नॉन जीरो। आगे जाके अगर कभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता करेंगे तो हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कन्वेंशन है कि अगर वैल्यू 435 है तो उसका मतलब ये है, अगर वैल्यू 7495 है तो उसका मतलब ये है। लेकिन हमें आज की तारीख में उन चीजों का मतलब मालूम नहीं। लेकिन हम आज ये जानना चाहते हैं कि अगर सब ठीक हुआ है हम रिटर्न जीरो बोलेंगे तो वो जो बड़ा बुद्धू रहा है वो बिना आना खाने के अपना काम आगे करे। सो ये रिटर्न जीरो हो या कुछ और हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है इसका मतलब क्या है। आज की तारीख में हम इसका मतलब नहीं जानते, लेकिन इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम में जो भी चीजें हमने लिखी हैं कि आप इनपुट ले लो सम करो, इसके अलावा जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो जिस किसी आदमी ने इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चालू किया है कंप्यूटर पे, उस आदमी के पास ये प्रोग्राम क्या संदेशा भेजेगा, तो वो भेजेगा रिटर्न जीरो। अब वो जीरो का मतलब उस आदमी के लिए क्या हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोग्राम हमने लिखा है मेन प्रोग्राम है वो अगर ठीक से एग्जीक्यूट हो गया है तो उसके अंत में उसको जीरो ही वापिस देना है। जीरो वापिस देगा इसका मतलब हमारा प्रोग्राम ठीक चला। अगर उस आदमी को ऑपरेटिंग सिस्टम को जीरो नहीं मिला, उसको लगता है प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हो। ओके, और किसी जगह रिटर्न वैल्यू हाँ, ये देखिए ये जो रिटर्न हो रहा है ये रिटर्न हमने मेन प्रोग्राम के अंत में लिखा। जो आप रिटर्न वैल्यू की बात कर रहे हैं वो मेन प्रोग्राम नहीं होता, वो कोई फंक्शन होता है जो हमने ही लिखा होता है। इसकी तुलना करने के लिए अपन एक कल्पना करते हैं कि ये आदमी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बाहर है, मैं मेन प्रोग्राम हूं जो यहां लिखा है इंट में, ये हमारे दोस्त हैं, ये एक फंक्शन है दूसरा, ये दूसरा फंक्शन। अब ये दोनों फंक्शन और मैं जो मेन प्रोग्राम, ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ये बाहर का आदमी है। अगर मैं इनको कुछ काम देता हूं तो ये जब रिटर्न करेंगे तो रिटर्न कुछ भी कर सकते हैं, 47 करे 58 करे, लेकिन जो भी रिटर्न करेंगे वो मुझे मालूम होगा क्या रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि मैंने ही उसको उनको बोला है कि ये कैलकुलेट करके रिटर्न करो। उसी तरह दूसरा फंक्शन है, उस फंक्शन को बोला क्या रिटर्न करना है तो उसे मालूम है ये रिटर्न करना, मुझे मालूम है क्या रिटर्न कर रहा है। तो इन दोनों के जो रिटर्न होंगे, चूंकि मैंने खुद डिफाइन किए हैं कि क्या रिटर्न होना चाहिए, इसलिए उनका मकसद मैं समझ सकता हूं। और इसलिए उस फंक्शन में अगर मैंने रिटर्न 47 लिखा तो 47 मेरे पास आएगा, रिटर्न डेल्टा लिखा तो डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास, क्योंकि वो वैल्यू मेरे पास आने वाली है और मैं उस वैल्यू को लेकर आगे कुछ करने वाला। लेकिन मैं खुद जब मेन प्रोग्राम हूं, जब मैं रिटर्न बोलता हूं तो इनका मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं ये जो वैल्यू देने वाला हूं ये किसी और आदमी के पास जाने वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने नहीं लिखी, मेरा कंप्यूटेशन का काम पूरा हो गया, अब मैं नमस्कार करके उसको घर जाना चाहता हूं, उसको कंट्रोल देके। उसका जो मेरा प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल अलग है, मेरा और इनका जो प्रोटोकॉल है वो अलग है, क्योंकि ये और मैं साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि ये क्या रिटर्न करने वाला है, इसने ये रिटर्न किया तो इसका मतलब क्या है, उन्हें मालूम है कि मैं क्या पूछ रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे काम से कोई लेना देना नहीं, हम ए भी ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं। उसका तो खाली ये मतलब है कि आपने कहा था कि हमारा प्रोग्राम रन कर दो, हमने रन कर दिया। आपका अगर काम हो गया,
हमें कंट्रोल वापस दे दो, बोल दो ठीक हो गया, आप घर जाओ। तो ये जो रिटर्न जीरो मेन प्रोग्राम में आता है, ये मेन प्रोग्राम का रिटर्न जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, लेकिन बाकी फंक्शन जो हम लिखते हैं उनमें जो रिटर्न आता है वो उनके पास जाता है जिन्होंने उस फंक्शन को बुलाया, और बुलाने वाले हम ही हैं, हमारे ही प्रोग्राम में होगा। तो हमारे प्रोग्राम में जो हमें चाहिए वो वैल्यू हम वापस ला सकते हैं उससे, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जब हम जाएंगे तो उसे कोई स्पेसिफिक वैल्यू देना पड़ेगी जिसका मतलब उसे समझ में आता है। ये एक प्रोग्राम हमने लिखा था, डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फेरनहाइट में कंट्रोल करो, कन्वर्ट करो। तो इसके लिए हमने दो दराजों का नाम रख दिया, सी और एफ। अब यहां देखिए नाम लिखा है फ्लोट, अभी तक लिखते थे इंट, इसका मतलब है हमारे बुद्धू राम को इंटीजर नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में फर्क समझ में आने लगा, आ सकता है। इसकी वैल्यू लेके उसका जो सेंटीग्रेड से फेरनहाइट में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 9/5 से गुणा करते हैं सी को, और उसमें 32 ऐड कर देते हैं, फेरनहाइट आ जाता है पुराना फार्मूला। तो ये फार्मूला इस तरह से कैलकुलेशन करने के लिए हम डम्बो को लिख सकते हैं। ये एक स्पेशल सिंबल है, \n बोलते हैं। तो ये इसके लिए है कि जब आपके टर्मिनल पे आप कोई देखें वैल्यू, डम्बो ला के देगा तो \n बोले तो अगली लाइन पे चला जाए। खाली अगली लाइन पे जाने के लिए उसको, इसको न्यू लाइन सिंबल बोलते हैं। लिखने का तरीका थोड़ा विचित्र है लेकिन इसका मतलब ये। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम।